बुक वॉज रिटन बाय द नेम ऑफ द केस दैट शुक द एम्पायर वॉज रिटन बाय हिज ग्रेट ग्रैंड सन इन्होंने बुक लिखी थी एंड टू थाउजेंड नाइनटीन में बुक पब्लिश करी गई थी एंड इस बुक को अब फिल्म मेकर करण जौहर ने अनाउंस करा है कि इस बुक को अडॉप्ट करके वो एक मूवी इनके ऊपर रिलीज करेंगे इनके लाइफ के ऊपर एंड विद स्पेशल फोकस ऑन द केस दैट ही फॉट विद द ब्रिटिश एम्पायर इन द आफ्टर मैथ ऑफ जलियां वाला बाग मैसेकर तो उस इंसिडेंट के आफ्टर मैथ में केस लड़ा था, उसके बुक लिखी गई थी अब उस बुक को फिल्म में अडॉप्ट करा जा रहा है तो पहले इनकी लाइफ के बारे में पढ़ लेते हैं दैट वट ऑल की ही ऑल की पोजिशनों इन्होंने क्या इनका फ्रीडम स्ट्रगल में इनका रोल रहा था एंड लेटर ऑन उस केस के बारे में भी पढ़ लेंगे एंड थोड़ी ब्रीफली हम चलिए वाला बाग मैसेकर के बारे में भी पढ़ लेंगे सो so, Let's talk about his life. So he lived in the 19th and early 20th century between 1857 and 1934, and he was a lawyer and judge in the Madras High Court. So they can ask with which High Court he was associated. So at that time, an Indian he was the present day se so Madras High Court. and He was promoted as a judge. He also served as the president of the Indian National Congress in the 1897. At the अमरावती सेशन तो 1897 में जो कांग्रेस का सेशन हुआ था अमरावती में तो वहां पे उसके उस सेशन के प्रेसिडेंट थे बट ऑल्दो इनिशियली कांग्रेस के साथ एसोसिएटेड थे बट बाद में ही हैड uh, इनके डिफरेंसेस आ गए थे बिकॉज़ कांग्रेस एट दैट टाइम अकॉर्डिंग टू हिम वाज डोमिनेटेड बाय ब्राह्मंस तो इनके डिफरेंसेस आ गए थे तो इन्होंने अपने आप को साइडलाइन कर लिया था एंड ही वाज मोर फोकस्ड अबाउट द ज्यूडिशियरी सो व्हाट ऑल की पोजीशंस ही हेल्ड ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम

कौन से साल में इनको वाइजरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इनको अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर एंड ही बिलीव इन इंडिया डिटर्मिनेशन एंड इन नाइनटीन नाइनटीन ही प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन द एक्सपैंशन ऑफ प्रोविजन इन द मोटेग्यू चेम्स फोर्ड रिफॉर्म्स जो मेजर रिफॉर्म्स माने जाते हैं एंड दीज रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस दिस्टम ऑफ डायरकी का सिस्टम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स ने इंट्रोड्यूस करा था एंड डायरकी प्रोविंसेस में इंट्रोड्यूस करी गई थी एंड आल्सो इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन सो ये जो की रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस करेंगे थे दैट इज इंट्रोडक्शन ऑफ सिस्टम ऑफ डायर इन द प्रोविंस एंड इंक्रीज पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियंस इन द एडमिनिस्ट्रेशन तो 1916 में जो रिफॉर्म्स प्रपोज करे गए थे तो वाइसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर बन गए थे तो उस काउंसिल के मेंबर बनने के बाद इन्होंने काफी अमेंडमेंट्स लाए इन रिफॉर्म्स में प्रोविजन like तो थी इसमें इनका बहुत बड़ा रोल था मेजर रोल था बट अपार्ट फ्रॉम ऑल दीस लीगल आस्पेक्ट या फिर आपके जुडिशियल देखा जाए उनके अलावा सोशल रिफॉर्म्स में भी इनका काफी मेजर रोल रहा था वॉज वाइल बींग एज अ जज एज अ लॉयर ही वॉज पैशनेट फॉर सोशल रिफॉर्म्स एंड इन बुद्धास्नाड जेयर ही रूल्ड कन्वर्टेड टू हिंदुजम के नॉट बी ट्रीटेड एज आउटकास्ट तो यू नहीं की जो भी हिंदुइज्म में कन्वर्ट हुए हैं इस्लाम से क्रिस्टानिटी से जो भी हुए हैं तो उन्हें आउटकास्ट ट्रीट करा जाता था कि तुम कन्वर्ट तो हो गए हिंदुइज्म में बट यू आर नॉट रिकॉर्डेड एस ऑरिजिनल हिंदू उस टाइम पे माना जाता था तो उनको लोअर पोजीशन दी जाती थी या फिर उनको अनटचेबल ट्रीट करा जाता था आउटकास्ट माना जाता था तो उन्होंने लेकिन जजमेंट पास की कि ऐसा नहीं है अगर कोई हिंदुइज में कन्वर्ट कर रहा है तो उन्हें आउटकास्ट नहीं माना जाएगा एंड इन वेरियस अदर केसेस ही अपेल्ड वेरियसर इंटरकास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज तो ये जो इन्होंने इसको भी अपेल्ड करा था इंटरकास्ट और इंटर रिलीजियस मैरिजेस ये भी इन्होंने रूल पास करा था जजमेंट पास करी थी फिर जलिया वाला बाग मैसेकर के बारे में बात करते हैं जलिया वाला बाग का जो मैसेकर हुआ था 1919 में हुआ था उसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे तो उस उस केस में उस मैसेकर में इनका क्या मेजर रोल रहा था इन्होंने एक बुक लिखी थी बाय द नेम ऑफ गांधी एंड अनारकी इन 1922 इन द आफ्टर मैथ ऑफ आपका जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था एंड जलिया वाला बाग मैसेकर तो उस बुक में पहले तो इन्होंने क्या लिखा था गांधी एंड अनारकी तो उन्होंने अनारकी टर्म गांधी जी के साथ यूज करी थी उन्होंने कहा था गांधी ये जो उनके मेथड से गांधी जी के तो उसको उन्होंने ओपनली क्रिटिसाइज करा था अपनी बुक में उन्होंने कहा था कि ये जो मेथड्स हैं ये जो मूवमेंट्स हैं जिस टाइप की हैं इट विल इनफैक्ट लीड टू राइड्स एंड ब्लड तो ऑल्डो इन्हें नॉन-वायलेंस के माने महात्मा गांधी को नॉन वायलेंस के मेथड्स के लिए माना जाता था कहते थे कि में करो, में मत पड़ो बट इनके अकॉर्डिंग प्रमोट करेंगे क्योंकि अनस्ट होगा और अनस्ट होगा तो ब्रिटिश रिटालियट करेगी एंड देन दे किल पीपल तो ये इनका व्यू था अबाउट द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ गांधी देन यू कैन टॉक अबाउट दिस बुक गांधी एंड एन विच वॉज रिटन बाय इंडियन एट दट टाइम

वो ब्रिगेडियर जनरल थे सो so इन दोनों में कंफ्यूज मत होइएगा सो ही सेड दैट दैट माइकल ओड द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम वाज रिस्पांसिबल फॉर द जलियावाला बाग ही फॉट अ मेकरूम बैटल अगेंस्ट हिम इसके अगेंस्ट केल फाइल कर रखा था काफी लंबा केस चला था पांच छह हफ्ते केस चला था ये एंड तो देखा जाए इस केस की यूनिक बात यह है कि ही वॉज फाइटिंग अ केस इन ए इंग्लिश कोर्ट जिसमें इंग्लिश ज्यूरी थी आपके एंड अगेंस्ट एन इंग्लिश मैन वेरी बिग इवेंट तो पहली बार ऐसा हुआ था कि पब्लिकली कोर्ट रूम में किसी इंग्लिश मैन को अगेंस्ट केस फाइल करा गया था इंडियन लड़ रहा था एज एक्सपेक्टेड से तो उनको डिसमिस कर दिया गया था मतलब केस खारिज कर दिया गया था उनके अगेंस्ट केस डिसमिस कर दिया गया था एंड ही वॉज नॉट पेनालाइज जो आपके डॉर थे बट ऑलो ही लॉस द केस मिस्टर नायर लॉस द केस बट इट है इंपैक्ट ऑन द ब्रिटिश एम्पायर इंडियंस ने पहली बार क्लियरली देखा कि जो इंग्लिश ज्यूरी थी वो कितनी बायस ऑल्दो डायरेक्टली यहां पे पता है कि जलियावाला जो हुआ था किसने कराया था किसके ऑर्डर पे हुआ था बट इन स्पाइट ऑफ दैट ही नॉट हीइज तो उन्हें क्लियर हो गया था कि देखो यार ये ब्रिटिश गवर्नमेंट है जो हमें बेवकूफ बनाती रहती है दे आर मेकिंग अ फूल आउट ऑफ अस तो इनपे अब ट्रस्ट नहीं करा जा सकता ये इनको अकाउंटेबल ठहराना चाहिए और अब सेल्फ डिटर्मिनेशन और स्वराज की मांग करनी चाहिए तो इन दिस केस स हैड ए मेजर इंपैक्ट ऑन द फ्रीडम स्ट्रगल यह आपका केस इसलिए इंपॉर्टेंट है सो so, अभी हमने डिस्कस कर जलियावाला तो हम डिस्कस कर लेते हैं सो so, जलियावाला बाग एक्चुअली अगर केस देखा जाए तो अप्रैल थर्टीन नाइनटीन नाइनटीन ये इंपॉर्टेंट डे है जिस दिन हुआ था इट इज ऑल्सो नोन एज अमृतसर मैसेकर तो अप्रिल थर्टीन नाइनटीन वॉज डे ऑफ बैसाखी एंड उस टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था माइकल डॉयर यहां पे डब्ल्यू आता है माइकल डॉयर वॉज लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ पंजाब एट दैट टाइम एंड ब्रिगेडियर जनरल ऑफ अमृतसर सिटी रेगिनाल्ड डायर तो यहाँ पे डब्ल्यू का फर्क है यहां पे माइकल डॉयर है यहां पे रेगिनाल्ड डायर है एंड सो मिस्टर डायर वॉज चार्ज ऑफ द अमृतसर सिटी एट दैट टाइम हु इशूड एन ऑर्डर प्रोहिबिटिंग पब्लिक मीटिंग एंड असेंबली लोगों को पता नहीं था जो वहां के लोकल थे कि ऐसा कुछ ऑर्डर इश्यू करा गया हुआ है सो दे गैट बाय द नेम ऑफ जलियावाला बाग इन अमृतसर फॉर टू पर्पसेस फर्स्ट इज सेलिब्रेटिंग बैसाखी एंड सेकेंड इज प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द अरेस्ट ऑफ टू लीडर्स सत्यपाल जी और सैफुद्दीन किच्यू इन दोनों को अरेस्ट करा गया था क्योंकि इन्होंने रावलत एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करा था तो दो डिमांड थी या फिर दो पर्पस थे उनके वहां पे असेंबल होने में जलियावाला बाग में एक तो ये था कि जो सत्यपाल और सैफुद्दीन है जिनको अरेस्ट करा गया है तो उनकी अरेस्ट को प्रोटेस्ट आ, करने के लिए ये असेंबल हुए थे, क्योंकि इन दो, दो फ्रीडम फाइटर्स ने टू सेलिब्रेट विसाखी पर जैसी वहां पर डायर को पता चला एंड देन ही उनसे बात हुई कि ऐसा ही अलाउड नहीं है एंड वॉट हैपन अल्टीमेटली ही इशूड एन ऑर्डर रेजिमेंट ऑफ गुरखा एंड बलूची राइफल कोई वार्निंग दी लोगों के कि हम ओपन फायर कर देंगे उसके बाद उन्होंने वार्निंग नहीं दी और ओपन फायर कर दिया गया था जबकि वहां पे पंद्रह हजार लोग थे जलियावाला बाग में और वहाँ पे ओपन फायरिंग हुई इनोसेंट्स को मारा गया बच्चों को मारा गया औरतों को मारा गया गन से कोई वार्निंग नहीं दी एंड अल्टीमेटली अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट एस्टिमेट्स

तो so ऑब्वियसली उनको तो पता ही था और उन्होंने ही कराया था बट जस्ट टू टेल द पीपल दैट वी विल टेक केयर ऑफ दिस वी दिसक इन टू द इशू तो दे अ कमेटी कमेटी बाय द नेम ऑफ डिसऑर्डर्स इंक्वायरी नोन एज हंटर कमीशन नेम आफ्टर द चेयरमैन विलियम लॉर्ड हंटर वॉज द ऑल्सो द फॉर्मर सोलिसिटर जनरल फॉर स्कॉटलैंड टू इंक्वायर इन टू द इवेंट्स इन पंजाब एंड ऑब्वियसली इसने कुछ ऐसा कहा नहीं था मतलब कोई ऐसी कोई मेजर फाइंडिंग नहीं थी यही कहा था कि दे आर जस्टिफाइड

ट करो कम्पेट करो जो भी है एंड अगेन फ्रीडम जो मूवमेंट था उसको तो बूस्ट मिला ही था नॉन कॉपरेशन के कंटेक्ट में बट ऑब्वियसली आज तक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस पब्लिक के पब्लिकली इशू नहीं करी है रविंद्रनाथ टेगोर जिनको सर का टाइटल मिल गया था उनको नाइटहुड दिया गया था सो ही विद्रो हिज नाइटहुड जो इनको मिला गया था तो वो भी इन्होंने विड्रॉ कर लिया था इन फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट एंड एनसीएस संकरण

जो डायर थे आपके जिन्होंने ऑर्डर इशू करे थे ब्रिगेडियर जनरल ऑफ अमृतसर उनको नहीं मारा था क्योंकि उनकी ऑलरेडी डेथ हो चुकी थी 1927 में एंड सम हिस्टोरियंस कंसीडर द द एपिसोड स्टेप टुवर्ड एंड ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया तो जब भी फिर बात आती थी स्वराज की पूर्ण स्वराज की तो फिर ये जो जलियावाला बाग मैसेज करता इट क्लियरली शोड दैट द ब्रिटिश आर ब्लाइंड दे आर एनी ह्यूमन एंड ऑब्वियसली इन एनी केस अगर कोई उनके एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस के ऊपर अटैक करता है दे गिव जस्टिस टू द इंडियंस तो ये, पता चल गया था कि ये हमारे सगे नहीं है इनको बाहर निकालो तो स्वराज पूर्ण स्वराज की जो डिमांड इंक्रीज हुई थी वो जलिया वाला बाग के बाद काफी बढ़ गई थी और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट तो लॉन्च करी गई थी जो मैंने आपको बताया था जिसमें से उसकी तीन डिमांड थी और एक डिमांड थी टू रेड्रेस द रोंग कम जलिया वाला बाग मैसेकर उसके बारे में भी आपको बताया था अब हम पढ़ लेते हैं उधम सिंह के बारे में भी जो मैंने आपको बताया था ब्रीफली

Sikh द हिंदू सिख मुस्लिम यूनिटी इन द फाइट फॉर इंडिया फ्रीडम एंड इन फोर्टी तो इसपे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मोहम्मद सिंह आजाद किसका और नाम था या फिर किसने अपने आप को मोहम्मद सिंह आजाद के नाम से रेफर करा था चंद्रशेखर आजाद ने करा था मौलाना अबुल कलाम आजाद ने करा था इन्होंने करा था तो ये सब पूछ सकते हैं काफी लोगों ने तो इनको एज अ हीरो माना था पर गांधी जी ने पब्लिकली इनको क्रिटिसाइज करा था कि ये जो इनका रिवेंज का एक्ट था सो दैट वाज सीन एज एन एक्ट ऑफ इंसनिटी बाय महात्मा गांधी जी बट बाकी लोगों का अलग व्यू है आज भी जब इनकी बर्थ एनिवर्सरी होती है तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कभी कभी एडवर्टिजमेंट देती है हेलिंग एज अ हीरो सो विद दिस वी हैव कवर्ड द टॉपिक ऑफ हीरोम सिंह

सो फ्रेंड्स दीज आर द की डेवलपमेंट्स रिलेटेड टू द ग्रेट पर्सनैलिटी बाय द नेम ऑफ चेतुर शंकरन नायर उनके बारे में हमने पढ़ा है सो आई होप यू लाइक डिट एंड इफ यू लाइक डिट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन शेयर दिस लेक्चर विद योर फ्रेंड्स दोज हुर प्रिपेरिंग फॉर यू पी एस सी एंड सब्सक्राइब टू द चैनल ऑफ ए क्यू बायस एंड बिफोर एंडिंग द लेक्चर आई वॉन्ट टू मेक एन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट दैट वी आर लॉन्चिंग आर ऑप्शनल बैचेस फॉर हिस्ट्री जोग्राफी पॉलिटिक सोशोलॉजी एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन And friends, if you have any query, then you are more than welcome to contact us at these numbers. And this is our address. You can always contact us anytime and you can walk into our office. So, friends, this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.